सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एब्सोल्युटली भारत का इलाका है, इसमें कहीं से कहीं तक किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो जिन भी कारणों से, जैसे कश्मीर का कुछ पार्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसी तरह से लद्दाख का कुछ पार्ट चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख है। तो ये कह देना कि लद्दाख पूरा चाइना के पास है या लद्दाख हिंदुस्तान के पास नहीं है, ये सही नहीं है, ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। और कुछ पार्ट वो पहले भी हमारा लद्दाख का जो ले चुके थे वो भी उनसे वापस लिया जा चुका है। सियाचिन का नाम आपने शुरू सुना होगा, जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड है, माउंटेन बैटलफील्ड, दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन बैटलफील्ड, जिसमें कि हमारे फौजी और एक्सपर्टीज है हमारी आर्मी को, दुनिया की सबसे ज्यादा माउंटेन के लिए बेस्ट आर्मी कहलाती है इंडियन आर्मी। तो वो सियाचिन भी चाइना के कब्जे से हम लोग पहले वापस ले चुके हैं। उसी तरह से अभी भी कुछ एरिया जो चाइना के पास है, जो चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख है, वो भी बहुत जल्दी हम लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जैसे हमने अपने कश्मीर इशू को सॉल्व किया है जिसमें टेरर आउटफिट्स बैठ गए थे और हम आतंकवाद के क्लचेस में, एक छोटी सी घाटी थी हालांकि 5 डिस्ट्रिक्ट्स की, लेकिन वो आतंकवाद के क्लचेस में चली गई थी, उसको हमारी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो बहुत सशक्त है, जिसके अंदर इच्छा शक्ति है और एक राजनीतिक एक पॉलिटिकल विल पावर है, जो बॉर्डर इश्यूज हैं या नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े जो इश्यूज हैं उनको डील करने के लिए, तो उस तरह से कश्मीर को हमने आतंकवाद के क्लचेस से निकाल लिया। पीओके भी बहुत जल्दी हमारे अंडर में आ जाएगा, उसी तरह से सीओके भी, चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख भी बहुत जल्दी हमारे अंडर आ जाएगा। और हमारे प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली लद्दाख गए हैं, इसमें कहीं से कहीं तक दो राय नहीं है। उन्होंने वहां पे जाके सैनिकों का ना ही सिर्फ मनोबल बढ़ाया है, बल्कि सैनिकों को एक तरह से देखिए ओपन हैंड दिया है। क्योंकि देखिए, आर्मी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, आपकी कंट्री में हालांकि ऐसा नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, आपकी आर्मी आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट के ही अंडर नहीं काम करती है। आई थिंक 4 बार तो आपकी आर्मी आपकी गवर्नमेंट को ही टेक ओवर कर चुकी है। हमारे ऐसा नहीं होता है, हमारी जो आर्मी होती है वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है, डेमोक्रेसी के दायरे में रहते हुए। तो गवर्नमेंट, एक प्राइम मिनिस्टर का वहां पे जाके और जाना, उनको मनोबल उनका बढ़ाना, उनको एक फ्री हैंड देना, एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल है ये बताने के लिए कि हम लोग कंप्लीटली तैयार हैं, हम लोग किसी भी तरह की सिचुएशन डील करने के लिए तैयार है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, एक बार पहले जब हमारी प्राइम मिनिस्टर, वो तो लेडी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, जब उन्होंने लद्दाख का दौरा किया था, तो आपके पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया था। और अब इस बार जो उनसे भी ज्यादा सशक्त, उनसे भी ज्यादा स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है और उनसे भी ज्यादा नेशनलिस्टिक अप्रोच के प्राइम मिनिस्टर है, वो लद्दाख गए हैं। तो अब तो अल्लाह ही मालिक है कि क्या होने वाला है, चाइना का या चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख का। देखिए, एक इनके प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया और हमारे 2 टुकड़े हो गए, वो तो मुझे बड़ा बॉलीवुड किस्म का सीन लग रहा है। मुझे लग रहा है जैसे अनफॉर्चुनेटली भारत में तमाम लोग ही बॉलीवुड के एक आसरे पर रोते हैं और बॉलीवुड के उस जो उस चार्म से बाहर नहीं निकल आ रहे होते, इसलिए एकदम से समझते हैं कि उनका प्राइम मिनिस्टर चला गया तो सब चीजें तब्दील हो जाएंगी। तो अगर इसी तरह की बॉलीवुडिश किस्म की पिक्चर अगर मैं भी पेंट करूँ, तो इस बार लद्दाख गए नरेंद्र मोदी साहब, अल्लाह खैर ही करे, भारत के 2 टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। 61 आजादी की तहरीकें जिस मुल्क के अंदर चल रही हैं, जिस मुल्क के अपने मसाइल इतने ज्यादा हैं कि आसाम के अंदर अलग, नागालैंड के अंदर अलग, खालिस्तान की मूवमेंट अलग चल रही है, कश्मीर की मूवमेंट अलग चल रही है, इतनी सारी मूवमेंट चल रही है, उसका किसी और की तरफ उंगली उठाते हुए जरा बात करना अच्छा नहीं लगता, सूट नहीं करता है। नदोवज देखिए, जो बांग्लादेश है, हम तो उसको बड़े ओपन हार्टेडली कहते हैं कि तो बड़ी अच्छी बात है कि वो लोग आगे प्रॉस्पर करें, लेकिन भारत कभी उस सदमे से निकल नहीं पाया कि भारत की उस टेरिटरी से जिसको वो अखंड भारत या ग्रेटर भारत समझता है, उससे पाकिस्तान निकल के एक अलग मुल्क बन गया। मेरे ख्याल में ये ना, ये जो एक कॉम्प्लेक्स है, ये जो एक इश्यू है, ये जो एक मेंटल ग्रज है इन लोगों की, ये 70-72 साल पुरानी है और ये इनके दिल से निकल नहीं रही कि पाकिस्तान का जो जमीन है वो अलग किस तरह से हो गई भारत की जमीन से। तो ये चीज इनको हजम नहीं हो रही अभी तक। मेरी नजर में अब 70-72 साल गुजर गए, अब इन लोगों को समझ जाना चाहिए कि अब ये पाकिस्तान वाली जो जमीन है वो इनके पास आने वाली नहीं है, बल्कि बहुत सारी जमीनें जो भारत के अंदर मौजूद है वो शायद इनके हाथों से निकल जाएंगी। जहां तक चाइना का ताल्लुक है और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, एक बात तो मैं पहले वाजे कर दूं कि एक भारत अकेला मुल्क है जो इस रीजन में इंस्टेबिलिटी की रीजन बना हुआ है, उसकी वजह बना हुआ है। क्यों? चाइना के साथ, किसी भी हमसाय के साथ नहीं, मैंने ना चाइना के साथ अभी ये जो स्कर्मिश हुई ये बड़ी एविडेंट है, बहुत ज्यादा
वाजिब हो गया कि इवन नरेंद्र मोदी का नाम वहां के लोगों ने, भारत के लोगों ने सरेंडर मोदी रख दिया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी चाइना के खिलाफ बात करते हुए नजर ही नहीं आ रहे थे। वो 56 इंच की छाती जो दिखाया करते थे पाकिस्तान के लिए, वो 5.6 इंच की रह गई थी और नजर ही नहीं आया ना। कितने दिन बाद निकले तो कहा नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। वो आपने सुना होगा कि जब कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो अपने ऑल इज वेल बोलते रहे तो ठीक हो जाएगा, या इनकी अपने बॉलीवुड की, क्योंकि हम बात कर रहे थे तो वहीं से एक ये क्योंकि यूथ जो सुनते हैं उनको पता होना चाहिए इंटरनेशनल इश्यूज क्या हैं। हम लोग पड़ोसी हैं, हम किस वजह से यहाँ बैठे हैं, ठीक है। वॉर कभी भी सॉल्यूशन नहीं होती है। अगर इफ यू आस्क अस, भारत का आप इतिहास उठा के देखिए, भारत ने कभी किसी लैंड को इन्वेड नहीं किया, हमारी कभी भी कब्जे से, अनिका जी अभी बोल रही थी कि आपके खुद के टुकड़े हो जाएंगे, आपकी जमीनें दूसरों के कब्जे में आ जाएंगी। हम लोग दूसरों की जमीन पे नजर डालना या दूसरे के माल पे हक तलफी करना या लालच की नजर से दूसरे के एरिया का देखना, ये हम लोगों को इतिहास नहीं रहा है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन लेकिन सेल्फ डिफेंस, अगर कोई हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो हमें शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र भी उठाना बखूबी सिखाया जाता है। मैंने एक पाकिस्तानी चैनल में ही बोला था कि अगर आपको भारत के शौर्य पराक्रम और बहादुरी पे कोई भी शक है तो आप एक बार जरा नजर उठा के देखिए कि हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र की धरती आज भी लाल है उन लोगों के खून से जिन्होंने हमारी जमीन पे आतंकवाद या गलत काम करने की कोशिश करी। तो ये तो जवाब हुआ कि हम लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते हैं। दूसरी बात, चाइना से लड़ाई और पाकिस्तान से लड़ाई में एक बहुत मेजर डिफरेंस है, वो आपको समझना पड़ेगा। पाकिस्तान और इंडिया की कंट्री टू कंट्री फाइट नहीं हो रही है। आप छोटे 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 टेरर आउटफिट्स, कभी आतंकवादी आ जाते हैं, कभी आपका कसाब आके हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी में, मुंबई में होटल ताज में हमला कर देता है, कभी आप बॉर्डर का वायलेशन करते हैं, कभी आप सीज फायर वायलेशन करते हैं, आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके उसके घुसते हैं, उनको हम लोग मार गिराते हैं। अभी एक रियाज नाइकू को अब हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, उन्होंने बहुत हाई वैल्यू टारगेट था वो एक टेरर आउटफिट का, उसको मार गिराया है, जो सारे पाकिस्तान फंडेड होते हैं, ठीक है। आप भी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करी अनिका जी ने कि सर्जिकल स्ट्राइक का आप सबूत नहीं दे पाए। मैं जानती हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक एक बहुत बड़ा पेन है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बहुत सालों से हमें न्यूक्लियर पावर की धमकी दिखाते थे, और इस बार लकली हमारी गवर्नमेंट ऐसी आ गई जिन्होंने आपके न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद आपके बिल्कुल इंटरनल पीओके तो छोड़िए, पीओके भी क्रॉस करके आपकी कंट्री में अंदर एंटर होके आपके टेरर आउटफिट्स, आतंकी कैंप्स हम लोग खत्म करके आए। हमने कोई मिलिट्री पे या सिविलियंस पे अटैक नहीं किया है, तो वो वॉर की तरह मत कंपेयर करिए। आतंकवादियों पे अटैक करना और कंट्री टू कंट्री वॉर में फर्क होता है। कंट्री टू कंट्री वॉर फेजेस में होती है, स्टेजेस में होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स होती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, बिजनेस होता है, ट्रेड होता है। अब हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 59 एप्स बैन करी चाइना की, इंक्लूडिंग टिकटॉक, ठीक है। टिकटॉक का आई थिंक 30% ऑफ टोटल डाउनलोड्स वर इन इंडिया ओनली, तो उनको हमने फाइनेंशियल ब्लो भी दिया है। हम स्टेप बाय स्टेप अपनी कंट्री में एक अवेयरनेस भी स्प्रेड कर रहे हैं कि हमें चाइना से लड़ना है, और वो पॉलिटिकल वॉर भी होती है, वो आर्मी की वॉर भी होती है, वो इकोनॉमिक वॉर भी होती है, वो सोशल वॉर भी होती है। तो वो वॉर हमेशा स्टेजेस में की जाती है और हर तरह से हम उसके लिए तैयार हैं। तो उसको कंपेयर मत करिए कि आप जो छाती और इंचेस नापना स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक बहुत इमेच्योर सी बात है। दूसरी बात, 1971 को उन्होंने कंप्लीटली डिनाई कर दिया। मैं बोलती हूँ जाके थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लें कि बांग्लादेश बनने का इतिहास क्या है, आप टूटे थे या नहीं टूटे थे, पहली चीज। दूसरी बात, जमीन पे कब्जा करने की बात आपने कही, मैंने तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करी, यानी कि जिस हमारी जमीन पे लोगों ने कब्जा किया है उसको वापस लेंगे, दूसरे की जमीन पे हमने नजर रखने की बात नहीं करी। दूसरी बात, आपने कहा खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है, आई थिंक खालिस्तान मूवमेंट आप लोगों के दिमाग में क्रिएटेड है, तभी आप लोग ये करतारपुर कॉरिडोर ओपन करके सोचते हैं कि शायद आप उस कुछ इंजेक्ट कर देंगे खालिस्तानी मूवमेंट या वो थॉट्स। अभी कोरोना का टाइम हुआ था, हमारे सरदार भाइयों ने सबसे ज्यादा सड़कों पे 130-135 करोड़ भारतीयों में एक भारतीय भूखा नहीं रहा है। सरदारों ने इतना ज्यादा आके सब लोगों की मदद करी है। सरदार भाई हम लोगों के, हमारी संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का एक हिस्सा है, हमसे अलग नहीं है। ऐसे ही ये एक, ये आउटसाइड ये इंजेक्शन पॉइजन इंजेक्ट करते हैं लोग, ये बोल के कभी बोलते हैं मुसलमानों के साथ भारत में बुरा हो रहा है। मैं एक भारतीय मुसलमान आपके चैनल पे बैठ के पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलती हूँ कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी इस्लामिक स्टेट नहीं है जहाँ इतनी रिस्पेक्ट, इतनी डिग्निटी और इतने फंडामेंटल राइट्स के साथ रहता हो। तो कोई खालिस्तानी मूवमेंट नहीं है यहाँ पे, कोई मुसलमानों के साथ यहाँ पे बुरा नहीं हो रहा है। बात करी अनिका जी ने नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम चल रही है, देखिए अगर आप मैप देखेंगे, आप ग्लोब देखिए, चाइना के साथ हम बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं,
इंडिया का पूरा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर, नेपाल को हटा दीजिए तो पूरा हम चाइना के साथ शेयर करते हैं। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न प्रॉब्लम्स भी हैं वो भी चाइना की ही क्रिएट करी गई हैं, क्योंकि चाइना की एक एक्सपेंशनिस्ट एक पॉलिसी, एक माइंडसेट है, एक विस्तारवादी एक मानसिकता है। आप कहते हैं इंडिया के साथ प्रॉब्लम है, चाइना की किन किन के साथ प्रॉब्लम है? वो पूरा जो हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चर है उसको खत्म करना चाहते हैं। नेपाल से क्या प्रॉब्लम है चाइना की? चाइना और नेपाल का क्या कंपैरिजन है? छोटी सी कंट्री नेपाल। भूटान के साथ क्या प्रॉब्लम है चाइना की? चाइना की वियतनाम के साथ क्या प्रॉब्लम थी? चाइना की तिब्बत के साथ क्या प्रॉब्लम थी? तो देखिए ये सिर्फ वो कंट्रीज हैं जो दूसरों को इन्वेड करके, दूसरे के कल्चर्स को खत्म करके, अटैक करके उनमें घुसने की कोशिश करती हैं, और हमारे आगे आके वो इसलिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम अटैक नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग वैसे बहुत स्ट्रांग है, हम अपने ऊपर अटैक किसी को करने भी नहीं देते हैं। विंग कमांडर अभिनंदन जी की बात करी अनिका जी ने, यहाँ पे मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि आपके जो आई थिंक कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे थे, F-16 आप जो इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान से उधार मांगा हुआ, जो आपका वो विमान था, और हमारा आई थिंक वॉज MiG-21। तो आपका इतना एडवांस विमान होने के बावजूद भी हमारे अकेले विंग कमांडर अभिनंदन जी ने आपकी एयरफोर्स को धूल चटाई थी, और आपने उनको मजबूरी में आपको हमें वापस उनको करना पड़ा था। और अमेरिका को आप जो अपना दोस्त बोलते हैं, अमेरिका ने आपको कितनी लताड़ दी थी, क्योंकि आपने अमेरिका ने आपको जो दिया हुआ है वो विमान, वो आपको दूसरी कंट्रीज पे अटैक करने के लिए नहीं दिया हुआ, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने, वो आपने फॉलो नहीं करे। इनफैक्ट आपकी वो नौबत आ गई कि आपको अमेरिका से छुपाना पड़ा कि हमने F-16 इस्तेमाल कराए, आप उसको छुपा रहे थे। तो ये भी देखने की कोशिश करिए कि अपनी कंट्री में, आप बात करते हैं आजाद कश्मीर आजाद कश्मीर, अरे आप अपनी कंट्री में देखिए, आपकी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लिखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वर्ड्स बता रही हूँ, अहमदियाज आर नॉट मुस्लिम्स। आपने मुसलमानों में इतनी फिरका परस्ती बना दी है, शियाओं को आप वाजिब कत्ल मानते हैं, अहमदियाज को आप मुसलमान नहीं मानते, कभी मिलिट्री स्कूल में बच्चे मारे जा रहे हैं, कभी वो अफगानिस्तान में आपके पाकिस्तान बैक तालिबान जो है वो मेटर्निटी वार्ड में घुस के 6-6 महीने के बच्चों को मार देता है। आप बात करते हैं कश्मीर की, कश्मीर में 370 आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेशन के बाद एक भी सिविलियन डेथ नहीं हुई है, नॉट इवन वन सिविलियन डेथ, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है। जो भी कैजुअलिटीज, जो भी डेथ्स कश्मीर में कभी भी रही हैं पिछले 30 सालों में या उससे पहले, वो हमेशा पाकिस्तान बैक टेररिस्ट की वजह से हुई हैं, जिसको हमने अब कर्ब कर लिया है। तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। एक सेकंड एहतिशाम जी, एक लास्ट चीज मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, मैं मोदी जी से पाकिस्तान की एज अ कंट्री जो प्रॉब्लम है वो समझ रही हूँ, क्योंकि देखिए अमेरिका को हम लोग बहुत वर्ल्ड पावर मानते हैं, अमेरिका आज तक नॉर्थ कोरिया पे हमला करने की हिम्मत इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि नॉर्थ कोरिया की मिसाइल्स की रेंज में है अमेरिका, तो उनका वो डर है। आपके न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद, आपके पड़ोसी होने के बावजूद, आप जो हमने अपने पुलवामा में अपने शहीदों का बदला जो बालाकोट में घुस के लिया, वो जो टीस है आपके दिल में सर्जिकल स्ट्राइक की, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए आप मोदी जी का सीना नापते रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपको टिकने नहीं देंगे अब बहुत लंबे टाइम तक, वो पीओके वीओके आपके लिए इतिहास हो जाएगा। तो वो देखिए रेटोरिक्स की बात ना करें, आई थिंक फैक्ट्स पे बात करें तो बेहतर होगा।